नमस्कार साथियों, रॉयल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और रॉयल बुलेटिन का चुनावी सफर आज आ पहुंचा है बागपत विधानसभा के गांव काठा में। मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है 7 से 8 हज़ार मतदाता यहां से अपने मत का प्रयोग करते हैं और ये जाट बाहुल्य गांव है। मौजूदा विधायक की बात करूं तो यहां से बीजेपी से योगेश धामा विधायक हैं। वहीं इस बार उनके सामने RLD के सिंबल पर जो अहमद हमीद है वो चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि सीट पर बहुत ही संघर्षपूर्ण और टक्कर का चुनाव होने वाला है। इसी को लेकर आज हम गांव की जनता के बीच जाएंगे, उनसे जानेंगे और मिलेंगे कि आखिर इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। नारायण सिंह। अच्छा नारायण सिंह जी, बीजेपी का कार्यकाल पूरा हो गया। हाँ, कैसे रहे 5 साल? हम कैसे रहे, क्यों दिक्कत नहीं? नहीं। अरे बेकार लगे सारा ही बजिया लगे। अरे क्या दिक्कत रही? दिक्कत यही रही, कोई काम करके नहीं दिया, कोई काम नहीं करा। नहीं। विधायक जी कैसे रहे आपके? धामाजी? धामाजी? धामाजी चोखे हैं, बढ़िया हैं। हाँ, वो तो बीजेपी से लड़ रही चुनाव। हाँ, तो क्या होना चाहिए अब की बार? नल चलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए? अरे भाई कमल खिलो चाहे हमारे बस का राजा तो बढ़ाने नहीं, पर विधायक उसकी राह देंगे। किसकी? किसकी? नल की। हाँ जयंत जगपाल है जी। अच्छा जगपाल जी, चुनाव आ गए। हाँ जी, क्या लग रहा माहौल? माहौल तो जी यहाँ तो माहौल आपको RLD का माहौल चल रहा है जी। RLD? हाँ। क्या कारण है? कारण तो बस यही है जी, विकास का कारण है। विकास नहीं हुआ गाँव? कुछ विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? क्या दिक्कत रही? सारी दिक्कत रही जी, बताओ क्या विकास है? बच्चों के जो स्कूल है वे बंद हो रहे हैं, नौकरी खत्म होगी, सब कुछ बंद है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा कुछ भी। धामाजी विधायक जी हैं, आप कैसे रहे? धामाजी विधायक है, क्या करा धामाजी ने बताओ? गांव में कुछ ही नहीं करा। क्या करा तुमने? तो देख लो क्या रखा गाँव में। नहीं, आप ही तो बताओगे, कोई गाँव की मूलभूत समस्या जिनका इन 5 साल में ना समाधान हो पाया हो? कोई समाधान नहीं है यहाँ से। कोई समाधान नहीं? कोई नहीं जी। तो क्या होना चाहिए इस बार? क्या होना चाहिए? सरकार खत्म होनी चाहिए बीजेपी की। बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, सरकार दूसरी सरकार चाहिए। दूसरी सरकार मानते हैं विकास करा पाएगी? बिल्कुल जी, करा पाएगी। राजेंद्र। अच्छा जी, बड़ी एज होगी आपकी। हाँ, काफी सरकारें बदलती बदलती देखी होंगी। हाँ, बहुत। कौन सी अच्छी रही आज तक? हमको चौधरी चरण सिंह वाली बढ़िया लगी। चौधरी चरण सिंह जी, बस उसकी जो नीति थी वो सबसे बढ़िया लगी। ऐसा नहीं करना तो आया नाक गाने की उम्मीद है। अच्छा, भाजपा सरकार में 5 साल पूरे हो गए? बिल्कुल। कार्यकाल कैसा रहा? अजी कार्यकाल तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, भाजपा का एक कार्यकाल तो बढ़िया रहा, सबसे बढ़िया, उसकी तो हम पूरी प्रशंसा करेंगे। झूठ बोलने का तो कंपटीशन जीतते बैठे हुए, झूठ तो उनको कितने बुलवा लो, झूठ ही बोलना काम उनका और ही कुछ नहीं काम कार्य कुछ है ही नहीं उनका। अच्छा, कह रहे कि किसानों को जो है तमाम सुविधाएं दी, किसान निधि दी? बिल्कुल दी जी, 13 महीने बाद रुपये पड़ रहे इसमें सुविधा, तो आज लोग किसी ने दी नहीं। आज लो इतनी सुविधा किसी ने 13 महीने बॉर्डर पर रहे, ये ऐसी सुविधा जो किसी सरकार ने दी ना कर दे सकता कोई। अच्छा, वापस ले करने की आश्वासन दिया सरकार ने? हाँ, कृषि बिलों को। हाँ, तो कृषि जीव दिया ना, जब 13 महीने हो गए वहाँ पड़ी पड़ी उठे ना किसान, जीव तो उन्होंने देना पड़ा, मजबूरी थी उनकी। अरे 750 किसान मरे किसी की सादत पर, उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला किसी की सादत पर। तो अमित शाह कह रहे कि जाट हमारे अपने हैं। इब कह लगा जा अमित शाह तो इब से पहले कदी ने कहा वो कह लगा इब तो जाट लैंड लिखा लगा। ये भी कहा जा रहा कि 2013 के दंगे जो है जाट भूलने वाला नहीं। ये भाजपा ने करवाए थे 2013 के, ये शुरू में भाजपा ने करवाया, इसी कारण यह भाजपा आ गई थी, यही मुद्दा था इनका। जैसा इब कह रहे हिंदू मुस्लिम, इब भी वही मुद्दा उठा रही है, हमारा मुस्लिम भाइयों का हमारा तो बड़ा प्यार है, बड़ा प्रेम है, हम तो सब एक जगह रहे भाई। अरे मुसलमान तो फिर गठबंधन की जीत होगी? सब मुसलमान है, तो कैसा भाजपा आएगी? गठबंधन की होगी जीत, गठबंधन। हाँ, राजपाल। राजपाल जी, चुनाव आ गए। हाँ जी, मुद्दों को लेके मतदान करने जाओगे? भाई साहब, हमारे यहाँ काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए। हमारे इलाके में जो काम योगेश ने करे आज तक किसी भी नेता ने नहीं करे, तो हम तो पूरे का पूरा काम 90% योगेश धामा के साथ है। अजी गांव में पूरा काम करा उन्होंने, कोई दिक्कत ही नहीं आने दी, सड़कें रोड सब कुछ योगेश धामा ने करे।
सब कुछ किया। हाँ जी, हम योगेश दामा से बगैर नहीं जाने का, हमें तो काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए। किसान बता रहे परेशान है, किसान कोई परेशान नहीं, 24 घंटे बिजली पानी सब कुछ हो रहा चल रहा सही है। किसानों के तो वही बर्क ला रहे, किसान वहाँ गए नहीं धरने में, असली जो किसान थे वे नहीं गए, जो ठंडली है जिन्हें 500 रुपये रोज मिले थे खाने मिला वे जाते हैं, वहाँ किसान गए नहीं मासिक। अच्छा, यहाँ पे बागपत विधानसभा से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया गया। हाँ दिया जी। तो इसमें कुछ विरोध की बातें भी सामने आई थी। विरोध तो देखो हर पार्टी में है, लेकिन यू मुस्लिम को भी जानते हैं, हमें 70 साल की उम्र हो ली, इसका बापू हुआ, इसका बाबा यानी ने कदे भी कोई काम ही नहीं किया इलाके में, जब से योगेश दामा आया यहाँ बीजेपी ने यहाँ काम किया है, तो बीजेपी ने काम किया है, हम और सरकार को वोट नहीं देंगे। अखिलेश जैन तो झगड़ा करवाने वाले हैं, यूं कह रहे मठ में भेज देंगे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश के कौन जाओ करेगा, अखिलेश आगे तो डड़े लग जाएंगे गांव में, अखिलेश के कोई नहीं वो करेगा, जयंत जो है बालक है भी, जयंत की तजर्बा नहीं है, वो तो भकाए मा गया। अच्छा जयंत चौधरी यदि अकेले चुनाव लड़ते तो? हाँ तो फर्क पड़ता, जाट टोटली उसके पीछे जाता, जो तो अखिलेश जो है तो मुस्लिम के चढ़ावे है, झगड़े करवावे तो जट्टू की सुनता ही नहीं बिल्कुल भी, तो गठबंधन की वजह से जाट कट रहा है, कट रहा जी पूरा। अगर अखिलेश अकेला से अलग होता जयंत तो जाट एक तरफा इसके जयंत की तरफ जाते। मेरा नाम शकील है। अच्छा शकील जी, कौन से गांव के रहने वाले? काठा। क्या माहौल है चुनाव का गांव? चुनाव का माहौल है, गठबंधन बहुत आगे बढ़ रहा विजय की तरफ, धूम मची पड़ी जयंत चौधरी की, तूफान मच रहा। क्या कारण है? लोकप्रिय नेता है, किसानों का मसीहा है, किसान इतने शहीद हो गए, सिर्फ किसी ने जयंत चौधरी ने साथ दिया और किसी ने साथ नहीं दिया, किसानों का सबसे हमदर्द नेता जयंत चौधरी। अच्छा बीजेपी वाले तो कह रहे कि जयंत चौधरी, बीजेपी की बात ना करो, बीजेपी तो खत्म है यहाँ से, बीजेपी की बात ही मत करो आप। इतनी नाराजगी? नाराजगी नहीं है, सारे जुमलेबाजी पार्टी है, झूठ के सिवा कुछ नहीं करा इन्होंने बस। अच्छा चुनाव में आप मानते हो कहीं ना कहीं जो विकास से ज्यादा बातें, विकास की बात तो कोई की बात कर रहा, विकास कोई की बात विकास की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा, कोई कुछ कर रहा, विकास कहाँ हो रहा? बागपत में एक बस स्टैंड तक नहीं बना पाई है, एक बस स्टैंड नहीं बना पाई, 7 साल तो इन्हें भी हो गए, सेंटर में भी हैं स्टेट में भी हैं, विकास की बात कौन कर रहा है यहाँ? विकास की बात कोई नहीं कर रहा। अच्छा आप युवा हैं, रोजगार की स्थिति कैसी है? रोजगार 5 साल हो गए भटक रहे हैं लोग, उम्र निकल गई बच्चों की, रोजगार के मामले में फेल है सरकार, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, कोई नौकरी नहीं दी। तो क्या मानते हैं बदलाव से कुछ हल हो पाए? परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन ही समाधान है इस चीज का। धन्यवाद बस। क्या नाम है जी आपका? सलीम। सलीम जी चुनाव आ गए एक बार फिर। हाँ जी। क्या माहौल है? माहौल इसके RDL इसका, RDL इसका, RLD का। क्यों, क्या कारण है? कारण रुझान बनी रहा, चेंज करना चाह रही है पब्लिक के। क्यों चेंज करना चाह रही, क्या कारण रहे हैं? महंगाई है और भी बहुत चीज़ है ऐसी। दामा जी वैसे ठीक थे पर ये चल नहीं रहा इसका सिप्पा, हिंदू मुस्लिम वाला भी नहीं चल पा रहा है, लोग बाग समझ गए इस चीज़ को। अच्छा चुनावों में जो बात हो रही विकास से ज़्यादा, कहीं ना कहीं कोई गन्ने की बात कह रहा, कोई जिन्ना कह रहा, कोई औरंगजेब कह रहा। ना ना ऐसे तो कुछ नहीं, पर यो है महंगाई भी बहुत उसकी चल रही, महंगाई भी बहुत ज़्यादा चल रही, हर जगह जो है भीड़ है, बैंकों में भीड़ है, काम नहीं हो पा रहा, पब्लिक का परेशान है, गरीब आदमी ज़्यादा परेशान है इसमें। योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी ठंडी कर देंगे चुनाव के बाद सारी। हाँ तो पहले को नहीं करी उनने, 5 साल निकट गया पहले को नहीं करी उनने। यूँ कह रहे थे कि जब इसके चुनाव आने से पहले जो सब गुंडे थे वो बिलों में घुसे हुए थे, और जैसे गठबंधन ने अपनी लिस्ट जारी करी प्रत्याशी होगी तो सब बाहर आगे निकल गए। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बदमाश, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सब उसी के कारण है, उसी के गुंडे है, जिबे चाहे जीप खोल देंगे, जिबे चाहे जीप बंद कर देंगे। तो क्या होना चाहिए इस बार चुनाव? बस यही होना चाहिए, सपा वाली सरकार आनी चाहिए इसकी, गठबंधन। हाँ जी शिवा। शिवा भैया आप यंग है ठीक है, हाँ। तो किस मुद्दों को लेकर वोट डालने जाओगे? हम लोक दल को वोट देंगे भाई। क्यों, क्या कारण है? ना तो वो रोजगारी है, कहीं नौकरी, और ये किसान का इतना नुकसान कर रखा है जिसकी कुछ हद नहीं है, हैं? अरे हम तो भाई लोक दल को देंगे, हम तो लोक दल की गैल है।
अच्छा नहीं रहा सरकार का, बिल्कुल भी नहीं रहा। सारे को बेच खाया, रेल लोग का बेच खाई उन्हें तो सारी। क्या क्या दिक्कतें रही? सारा टिकट 30 रुपए कर दिया इन लोग का ही। सारी रेल भी एक खाई कि कोरोना धरा, बस भी चलने लगी। मैं रेल को ना चलाई जो इस रूट पे एक भी। विधायक जी आपके कैसे रहे? के विधायक जी सही नहीं है हमारे अंक के। सही नहीं है? नहीं है हमारे अंक का। तो जैन तावगा 100% जैन तावगा इसमें। इनका सरकार बदलेगी 100%। योगी जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ठंडी कर देंगे सारी गर्मी है। क्या पता किसकी ठंडी होगा किसकी ना होगा, 10 मार्च को पता चलेगा। क्या पता उसकी हो जाओ मंड पे बैठा वहाँ जाके। हाँ विकास कार्य है यहाँ पे, यदि बात करिए आपके गांव की तो गांव में किस तरह का कार्य हुआ? किस तरह का ना, सारी सड़क टूटी पड़ी है, अंतर लेगा इन लोग का चल जाए सारी में पानी भरा खड़ा रोड पे, कहीं कुछ भी नहीं विकास हमारे यहाँ तो। अच्छा आप कह रहे RLDs है? हाँ लेकिन यहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसी भी चर्चाएं खबरें आई कि यहाँ पे जो टिकट दिया गया RLD के सिंबल पे पोपा भमीदू, हाँ उससे जो है कहीं ना कहीं कि जाट समाज में जो है विरोध की बातें सामने आई। यहाँ तो कहीं भी विरोध की बात नहीं है, यहाँ तो भाई जयंत की गहला, जयंत की दे रहे हम तो वोट, हम और किसकी को दे रहे? हम तो जयंत को दे रहे अपने को। अजीता के भेजेगा इनते खूब जयंत को ईब के। तो गठबंधन कामयाब होगा? हाँ गठबंधन कामयाब होगा इब के, 100% कामयाब होगा। बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा इब के। दीपक। अच्छा दीपक जी युवा है। हाँ जी। किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान में? मुद्दे देखो जी है, पहले यहाँ अखिलेश ने कुछ काम नहीं किया, ठीक है 5 साल उनकी भी सरकार रही। ये रोड था ना हमारा नेशनल हाईवे, उसके भी 450 करोड़ रुपए वो खा गया था। वन विभाग को उन्होंने NOC नहीं दी, दी कंपनी को, वे कंपनी वाले अपने यहाँ से सब कुछ लेकर चले गए, ठीक है। फिर BJP आई, उन्होंने ये रोड निकलवाया यहाँ से ये शामली तक का। अब चुकर देखो रोड ही रोड हो गए, हमारी सुविधा है इससे। और जी बिजली, हम लाइट का काम कर रहे थे, जनरेटर की 4 घंटे लाइट देते पहले, यहाँ लाइट नहीं आया करती, ठीक है। यहाँ कम से कम दिन में 2 घंटे और शाम रात को 10 बजे के बाद लाइट आती थी, वो भी रात को 1-2 घंटा आती थी। अब हमें 18 घंटे पूरी 18 घंटे बिजली मिलती है। अच्छा युवा हैं आप, रोजगार की स्थिति कैसी रही सरकार? देखो जो पढ़ेगा लिखेगा वो तो कामयाब हो गई, जो पढ़ेगा नहीं वो कहाँ से कामयाब हो जाएगा। हम भी इसमें बेरोजगारी कोई नहीं, जो करना नहीं चाहता वो बेरोजगार है, ठीक है जी, जो कर रहा वो आज भी खा रहा। अखिलेश और जयंत एक साथ आ रहे हैं? हाँ जी। कितना प्रभाव मानते हैं डालने? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा पिछली बार अखिलेश और जयंत, अब कह दो अखिलेश जयंत था, पिछली बार मायावती भी इनके साथ थी, कांग्रेस भी इनके साथ थी, जब कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, अब क्या प्रभाव पड़ेगा? अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और जो योगी जी पे मुकदमे थे पुराने दबाए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये 2013 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसने आजम खान ने हमारे हिंदू भाइयों पे इतने मुकदमे करे उन्हें जेल में डाल दिया, योगी ने सबको छुड़वाया वहाँ से मुजफ्फरनगर से, ये तो योगी ने ही किया। तो अब क्या होगा, बदलाव होगा या फिर कमल खिलेगा? फिर से कमल ही खिलेगा। क्या नाम है जी आपका? कृणपाल है। अच्छा जी चुनाव आ गए, बड़े बड़े वायदे हो रहे, दावे हो रहे, क्या लग रहा? बस हम तो नलके की देंगे वोट। नलके की? हाँ क्यों, क्या कारण, क्या कारण है? कारण है सरकार अदलती बदलती और ठीक रहे, अदलती बदलती ठीक रहे। हाँ एक बार उसे लेते फिर अगली साल उसे देते, ठीक रहेगा नहीं? अच्छा कार्यकाल कैसा रहा वैसे? कार्यकाल तो बढ़िया रहा। बढ़िया था। हाँ क्या क्या कहा? भाई एक तो पेमेंट नहीं देते टाइम पे, पानी बताया घंटे का, एक बिल का महंगा इतना कर दिया, मार्मला हरियाणा में 300 रुपये महीना मारे आप 16 से। अच्छा आपसे कुछ ही घंटे की दूरी पर किसान आंदोलन चला था बड़े जोरों से। हाँ हाँ ठीक है। अब हालांकि किसान आंदोलन में जो है ना वो वापस करने का आश्वासन दे दिया गया। हाँ अब कितनी लहर उसकी अभी भी क्षेत्र में है? तो उसमें सारा तो नहीं करी, मांग भी सारी नहीं करी भाई वापस, दिखा दिए मांग करी नहीं भाई पूरी सारी किसानों की। अच्छा चौधरी अजीत सिंह का ये गढ़ माना जाता है? हाँ हाँ हाँ। चौधरी अजीत सिंह द्वारा कहा गया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। अब नाहिद साइकिल पे ये जयंत साइकिल पे सवार हो गया। अच्छा तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? साइकिल तो
ना साइकिल से कुछ, वो भी ना हम ऐसे जाते, हम तो उसके पीछे नल के गए, बस साइकिल पैकिल कहीं जाओ मांडे, और नल तो साइकिल के साथ में होगा, हां रहने दे कहीं जान दे कोई क्या, हम तो गुंडा है, हम हार गए, हां हां तुम अपनी, हमें तो नल का है संबंध किसी से ही उसका मेरा आगे, तो कुल मिला केवरा हुआ उसमें आन मिला, फिर कि पता लगे उनका जैसे हो नहीं था तो बदलाव चाहते हो कुल मिला, हो भी सके यहां बैठे सारे रालोद के बीजेपी का, या कोई नहीं राजवीर। अच्छा राजवीर जी, चुनाव आ गए, बात किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? मतदान तो वही है, ठीक ठाक काम कर रही भली सरकार है, चोर उचक्कियों की सरकार ने उन पर अंकुश कर रखा, चोरों का सफाया कर दिया, विकास कार्यों की बात यदि, हाँ विकास बतेरे कर रखे, रोड उके वैसे बिजली बतेरी आवे हर आदमी को और उसकी वो है सुविधा। अच्छा विधायक जी हैं आपके तामा जी? बढ़िया आदमी है, मिलनसार है, रोज गांव में रहे, जहाँ मंद समीद हुए ये हुए फलाने हुए तो गांव में अलग समय के दौर में दिखे। अच्छा अब तक करीब एक घंटे की दूरी पे यहाँ से राजधानी पड़ती होगी दिल्ली, हाँ यहाँ पे किसान आंदोलन चला था, हाँ क्या उसका अभी भी प्रभाव है क्षेत्र में यहाँ पे? हाँ है माड़ा मोटा सा, पर ऐसा वो ना है किसानों का, कहाँ था वो तो नेताओं का अपना वो था, विपक्ष का लोग दल करने किसान कहाँ थे, वहाँ किसान तो कमी थे, किसानों को कहाँ फुर्सत है, खेत में थे, खेत में था बाग पर जा सांझ को अपना खेत में जाएंगे, वहाँ साल भर लौटने की फुर्सत है किसान की या मजदूर की, बताओ कौन लौट जाए, किसान या मजदूर जिसे घरों हिल्ला है या काम काज वाला आदमी लौट जाएगा वहाँ, और किसान की तो 24 घंटे की ड्यूटी है। आप भी किसान? किसान ही है यहाँ। अच्छा जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं, और अजीत सिंह द्वारा एक बयान आया था कभी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें गुंडा, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सही कहता वो, ये तो जयंत है बुज्जो, अजीत टाल कर रहा यू क्यों आ गया उसमें, तो जयंत भी तो साइकिल पर सवार होते, वो तो गद्दी पे बैठ ले, कुर्सी का एक लालच ऐसा हो गद्दी पे बैठ ले उसका की बात है, ये तो कुर्सी का जो चस्का है लालच है राजनीति का वो है, इनका कोई दे कुछ तो है ही ना। अच्छा इस क्षेत्र में एक दबदबा रहा राष्ट्रीय लोकदल का? हाँ आज भी है, आज भी है, आज भी है, तो क्या होना चाहिए इस चुनाव में? चुनाव में भाजपा आनी चाहिए, भाजपा की वोट है, अच्छी सरकार है, आर एल डी का कह रहे वो चोर गैल है जो सज्जी चोर है, इसका किस्सा कह रहे हैं आर एल डी का, इन ने सारे बैठा रखे अहमद अमीद नाहिद हसन, वो कल परसों अजीत को हरा रहा था, यू के नाम है मोहम्मद के वो था गुलाम मोहम्मद, आज वो इसे ये टिकट दे रहे, तो ये इसके कहाँ हैं, क्या फुद्दू बना रखा अखिलेश ने, जयंत का तो अखिलेश ने फुद्दू बना रखा, ये कदे भी जयंत की गैल नहीं होने के, जितने भी अहमद हसन मोहम्मद ये कदे भी नहीं हुए अजीत सिंह जयंत के, यदि अकेले चुनाव लड़ते हाँ तो क्या मानते हैं? वोट मिलती उसकी दो चार सीट आ जाती, वही दो चार ही बावेंगे एक दो, कोई लाभ नहीं उसे। सतपाल सिंह जी कौन से गांव के रहने वाले? काठे के। अच्छा चुनाव आ गया, क्या माहौल है गांव का? सही माहौल है। किसका है माहौल? दोनों की टक्कर है भाई, नहीं किस किस की? अजीत अजीत का लड़केगी और कमल की, दोनों की टक्कर है। तो क्या मानते हैं बीजेपी जैसे 5 साल हो गए पूरे, कैसा कार्यकाल रहा? कार्य तो वह भूखे तो मरने नहीं थे, हर सीखे रहने नहीं थे, रोजगार कुछ है नहीं, रोजगार नहीं है। सरकार तो दावे करती है तमाम के लोगों को तमाम सुविधाएं दी, मकान हो या राशन हो, राशन आसानी के मान लेना कि गरीब गुरबा का कितने ख्याल करा, तो आपके हिसाब से कौन करेगा गरीब का ख्याल? बस पे है कमल पे ही, और क्या करें, इस तरह अटका कहाँ जाए, कमल की देंगे। अच्छा कमल ने कोई आपकी मदद नहीं करी, विकास नहीं हुआ, और फिर भी भाई ठीक है, भाई राशन वासन तो दे ही रहा है, मदद तो हो ही रही है। अच्छा अभिलेख और जयंत की जोड़ी भी तो आ रही है एक साथ? हाँ ये भी आ रही, इनके भी हैं भाई, सब ढाल के पब्लिक है। भाई दोनों टक्कर है, बीजेपी की भी देंगे और उसकी भी देंगे, लड़के वाले की। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कमल खिलना चाहिए या फिर दल चलना चाहिए? अब पता नहीं क्या होगा, रेत की दीवार है कंधा गिर दिया, सब तरह की दुनिया है, कोई कमल की दे रहा, कोई नलके की दे रहा, बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है। मेरा नाम पूजी चंद्र पॉल है,
अच्छा जी, चंद्रपाल जी चुनाव आ गए। हाँ आ गए, बड़े बड़े दावे हो रहे, वायदे हो रहे। हाँ क्या माहौल लग रहा है? खोल आओगी? हाँ। ऐसा क्या कर दिया गया? नलके का बाल खराब हो रहा। ऐसा क्यों लग रहा आपको? वह देख रहे हैं नलके का बाउल है, इसमें जनता सुखी तो है ना, गुंडा करती है ना कुछ है। ये अखिलेश आ जाओ या कुछ आ जाओ, फिर भाई गुंडा करती होनी। लोग कह रहे किसान परेशान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये सब कहने की बात है। ट्रैक्टर वाले का मतलब भाई, अच्छा योगी जो है कह रहे कि अखिलेश और जयंत जो है बच्चा है जयंत, और बच्चा ही है जयंत, और उसे चौधरी चरण सिंह की जगह कहाँ बैठ जाएगा? वो तो बच्चा है, तो बच्चा ही रहेगा। अच्छा ऐसा गढ़ माना गया आरएलडी का? गढ़ तो है, जाटू का खास है यू, पर जाट भी तो तुनू का केवल उसके थोड़ा है, अपने कैंडिडेट को भी तो देखे हैं जाट। जयंत चौधरी, जयंत क्यों, योगेश धामा कम है? जयंत है, योगेश धामा घर घर का पता ले, सुख दुख में हरेक जगह आवे। जैन तो एक बार जीत जाइयो साल भर भी ना आने का, इतना इलेक्शन ना होने के। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ आ गए, वो कोई बात ना आने दो, या उसे मायावती को और उसे ले लो कांग्रेस को भी है, और है ही इनका गठबंधन सारू का, ये तो हराना चाह रहे योगी को, और क्या। तो आपके अनुसार क्या होने चाहिए? अरे ये बीजेपी आओगी, बीजेपी आओगी। हाँ ये खूब जोर लगाओ, जो किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पे, उससे क्या फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ने का, वे तो एजेंट जा रहे थे वहाँ, किसान तो सारे यही ना थे। जयंत आए थे शामली में, कह रहे थे कि अब की बात शामली में कह दिया था जयंत ने, मैं के जट्टू का ठेका ठा रखा, वो जयंत वो ही है अगीब जट्टू के ताले लग रहा भाज भाज के। जिब के क्या था शामली में, मैं जट्टू का ठेका ठा रखा, और तो जट्टू नहीं के उसका ठेका ठा रखा, तो नाराजगी है। नाराजगी क्यों, हम तो अपने योगेश धामा काम आवे, योगेश क्यों देंगे? क्या नाम है आपका? काले। अच्छा जी, चुनाव आ गए, कार्यकाल कैसा रहा सरकार का? कार्यकाल बहुत खराब रहा। क्या दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है, कार्यकाल करवाया क्या है भाजपा ने यहाँ हमारे यहाँ? बताओ भाई, ये करवाया आपके गांव में विकास कार्य नहीं हुए? हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुए। एक रोड है यहाँ बंद पर काठा वाला, उसे जाके देख लियो, अभी जाओगे दो चार मिनट में चले जाइयो, एक किलोमीटर पड़ेगा ज़्यादा, उस पर उतारे पर चले नहीं जाने का उसमें, वह ईंट आठ सी घेर रखी, किसी को बुग्गी ले जानी हो तो अपना कहाँ को ले जाएगा। धामा जी कैसे रहे विधायक आपके? धामा जी ने तो कुछ करवाया नहीं। हाँ क्या करवाया धामा जी ने? कुछ भी नहीं करवाया धामा जी ने, जब करवाया था जब आरएलडी में थे वे, उन्होंने कुछ काम करवाए, बढ़िया करवाए, अब भाजपा में जाकर पता ना क्या हो गया उनके, उन्होंने कुछ नहीं करवाया, कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ क्या कार्य है, हमें तो दिख नहीं रहा भाई एक भी कार्य, जो कार्य हुआ ये आरसीसी रोड बना है कि वो जिला पंचायत तक बना, जिला पंचायत योगेश धामा ने थोड़ा बनवा दिया वो। अच्छा आप आरएलडी समर्थक हैं, बागपत विधानसभा को गढ़ भी माना जाता है आरएलडी का, एक बयान आया था कभी चौधरी अजीत सिंह का कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा, तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि अब जयंत चौधरी भी जो है अखिलेश के साथ आ रहे हैं? एक बात बताऊंगा, ये जितने नेता है कोई सा भी नेता है, मैं अपनी बताऊंगा जितना मेरा, ये नेता रात को सारे एक जगह बैठ के शराब पी गए, भाजपा वाले भी, लोकदल वाले भी, और ये तेरे बसपा वाले भी, रात को सारे एक जगह बैठ के शराब पी गए, तो इससे हमें क्या मतलब है? हमें तो वोट जहाँ देनी वहाँ देनी, हम तो आरएलडी को वोट देंगे भाई, हम आरएलडी साथ बैठते हैं, तो इस हिसाब से तो कोई भी विश्वास पात्र नहीं होगा। कौन विश्वास पात्र? कहीं ना कहीं तो देनी पड़ेगी, और के नोट ही करिए हुआ है, लगाते नहीं वोट, गेरते ही नहीं। तो आप बदलाव करोगे आरएलडी? बदलाव करेंगे, हम आरएलडी को वोट देंगे भाई, हमारा जयंत चौधरी जिंदाबाद। मेरा नाम समीम चौधरी है। अच्छा समीम जी, चुनाव आ रहे हैं फिर से? हाँ जी, मैं किसान आंदोलन में रही हूँ 11 महीने और 2 महीने पंजाब में रह कर आई हूँ। समीम चौधरी मेरे नाम है, मैं बागपत क्षेत्र की बेटी हूँ, मैं वहाँ पे भी यही एड्रेस से पब्लिक को जागरूक कर रही थी कि मेरा जन्म तो ग्रेटर नोएडा का है और मैं बेटी बागपत क्षेत्र की हूँ, और बागपत क्षेत्र की बेटी बन के पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अपने अखिलेश बेटे के लिए काम कर रही हूँ।
इधर जयंत बेटे के लिए काम कर रही हूँ और इधर अपने बागपत क्षेत्र के अहमद हमीद नवाब साहब के लिए काम कर रही हूँ जो इस टाइम प्रत्याशी हमारा बेटा। अच्छा, चुनाव चल रहे हैं जी, अजीत सिंह जी थे उनका गढ़ माना जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे बड़े भाई थे तो उनके द्वारा एक बयान आया था कभी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें गुंडा, उसी गाड़ी में अब जयंत चौधरी सवार हैं। ऐसा ये मेरी बात सुनो, ये सब कह सुनी बात है, ये कह सुनी बात है। कभी अजीत ने ऐसा कभी भी कोई भी प्रचार अपनी तरफ से नहीं किया और ये आरोप तो पता नहीं बीजेपी क्या क्या लगाएगी। हमें भी बोला पाकिस्तानी खालिस्तानी आंदोलन जीवी है, पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगाए, हमारे पे केस लगाए, हमारे हमें क्या नहीं बोला। हम जो किसान बैठे थे अपने धरनों पे, क्या मोदी के 700 आदमी शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोला उसने, एक शब्द कैसा होता है। योगी जी कह रहे जब दंगा हुआ तो एक लड़का तो नया लखनऊ में बैठा हुआ था और एक दिल्ली में खामोश बैठा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिल्ली में बैठा हुआ था एक लखनऊ में बैठा हुआ था, ऐसा ना मेरा जयंत बैठने वाला है ना अखिलेश बैठने वाला, मैं उनकी बुआ हूँ, जैसे अहमद की बुआ हूँ ऐसे ही मैं अपने बेटों की भी बुआ बन के काम कर रही हूँ, ना कि मायावती बन के काम कर रही हूँ, मैं बुआ हकीकत में बन के काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनकी झूठन खाई है, उसके परिवार की झूठन खाई है, इस क्षेत्र की झूठन खा के आज शमीम चौधरी इस भारत के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है, पंजाब के लिए काम कर रही है, दिल्ली के लिए भी काम कर रही हूँ। प्रदेश में क्या होगा इस बार, आने वाला समय बताएगा। कौन है? हम जीत रहे हैं। गठबंधन बिल्कुल जीत रहा है जी। योगी जी कह रहे हैं अखिलेश बच्चा है, वो जयंत बच्चा है। कोई बात नहीं, वो तो उसे राहुल को भी कहता था कि वो पप्पू है, वो ये है, वो है। अरे इन्होंने देखो ओबीसी को लाए, ये भी उनका ही आदमी है ओबीसी जो है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है भाई। अच्छा सुरेंद्र जी, बड़ी उम्र आपकी हो गई होगी। हाँ, काफी सरकारें बदलती बदलती देखी। हाँ, कौन सी सरकार अच्छी रही आज तक भाई? अच्छी सरकार वो होती है जो किसानों के लिए काम करती है, और सुरेंद्र सिंह काठे गांव का रहने वाला और किसान है और किसानों के गांव का है, तो किसानों का जो काम करेगा वो सरकार सबसे बढ़िया होगी। और पूछो क्या पूछना। मौजूदा सरकार में कैसे रही किसानों की? बहुत घटिया रही, बहुत ही घटिया, इससे घटिया सरकार किसानों के लिए ना आई ना आगे आवे। ऐसी क्या दिक्कत है किसानों? ऐसी दिक्कत ही दिक्कत हुई, 22 में आमदनी दुगनी करने की बात की गई थी, हुई? अच्छा, आमदनी दुगनी हुई नहीं, खर्चे दुगने हो गए। कैसे हो गए? डीजल कहाँ चला गया, ये सारे ट्रैक्टर खड़े, सब किसान जो जुताई करते हैं ट्रैक्टर से करते हैं, ठीक है। उसमें पहले 55 का रेट था जब ये बीजेपी आई, आज 90-92 का रेट है, तो किसान के लिए घटिया, इससे घटिया सरकार, एक बात। दूसरी बात ये है जो ये युवा लड़के खड़े हैं, इन्हें बीजेपी ने क्या दिया? जो वहाँ पटना में या इलाहाबाद में जो बालकों पर लठ बजाया जा रहा है और वो भी हॉस्टल में अंदर घुस घुस करके, वो कौन सी सरकार जो लखनऊ में लठ बजता है? क्यों बीजेपी इसलिए आई है? बात करते हैं योगी जी ठोकने की, ठोको बदमाश को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शरीफ आदमी को पैरों में गोली मार के उन्हें आप बदमाश बनाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब, अच्छा किसानों पर आ जाओ, एनकाउंटर तो सारे कम से कम ना जोन सी ये बात करते हैं, हमने गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म कहीं नहीं हुई। पहले एक दो गांव गए या क्षेत्र में गुंडा होता था, ये पुलिस वाले सारे गुंडे हैं। कोई भी अगर ये किसी से ढंग से मुँह बात करते हो या किसी की मदद करते हो, कोई FIR कराने जाए, FIR नहीं होती। बीजेपी के राज में जितने बलात्कार हुए लड़कियों के साथ में, आपको पता और सारे स्टेट को पता, लड़कियों को रात को 2-2 बजे जलाया जा रहा है, कौन सी इंसानियत है? सरकार का काम है ये, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को इसलिए मार दिया जाता है कि वो जो है ना इनके एजेंडे के खिलाफ काम कर रहा था, हालांकि ठाकुर था, ये भी ठाकुर है, लेकिन उसे बदमाशों के द्वारा मरवा दिया जाए।
जो बदमाश इनके साथ है टैनी है, टैनी ने भरे आम किसानों पे गाड़ी चढ़वा दी, उसके लड़के ने मार दिए, वो बदमाश नहीं है, किसानों ने एजिटेशन दीप। अच्छा जी, चुनाव आ गया फिर से। हाँ, विकास से ज़्यादा आपको नहीं लगता कहीं गन्ना जिन्ना औरंगजेब इस तरीके की बातें हो रही? नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात हो रही, ना गन्ने की बात ऐसी कुछ प्रभाव पड़ा गन्ने पे, ना ऐसा जिन्ने तक जिन्ना तक कुछ हुआ। औरंगजेब है, औरंगजेब तो यू अखिलेश करे काम, औरंगजेब का तो नाम यू ले, हमारा योगी कहाँ ले। जयंत चौधरी जो है वो कह रहे कि गन्ना जीतेगा और जिन्ना हारेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गन्ना तो जीत ही रहा, पहले भी जीतता आया, पर योगी सरकार बनेगी, योगी ही तो गन्ने को जिताओगा, अखिलेश कहाँ जिता देगा, जयंत कहाँ जिता देगा, जयंत के हाथ में है कि अब वो गन्ने को ऊपर कर देगा या कुछ कर देगा, क्या है उसके हाथ में जयंत के, बताओ। अच्छा, बागपत विधानसभा है, आरएलडी का गढ़ माना जाता है, अब क्या माहौल है, मतलब यू योगेश का गढ़ है, यू आरएलडी का गढ़ नहीं, ना बीजेपी का गढ़ है, यू योगेश का गढ़ है, और योगेश इतने रहेगा यहाँ, इतने वही जीतेगा। ऐसे क्या कार्य करा योगेश? और उससे अच्छा तो योगेश धामा से अच्छा विधायक तो हो ही नहीं सकता पूरी यूपी में, उससे अच्छा विधायक है नहीं। काम मतलब सड़क देख लो, खड़ंजे देख लो, किसी के दुख सुख में है, आना जाना सब वो करता है, हर आदमी को बाई फेस जानता है, वो अपना घर मानता है वो इस क्षेत्र को। तो अच्छा, जयंत चौधरी यदि अकेले चुनाव लड़ते तो क्या प्रभाव यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ने वाला था, ऐसा कोई बात नहीं होती, क्योंकि अब उसके माफिक 10% हिंदू रह रहे हैं, ऐसा कोई बात, मुसलमान तो देते ही नहीं उसे वोट, वो तो अखिलेश के कारण उसे वोट दे रहे, ना उसे कहाँ वोट दे रहे थे वे। विपक्ष कह रहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र नहीं है। नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा तो इसमें ही है, हमारी बेटी बहन सब कुछ सुरक्षित है इसमें, सारी चीज़ सब फिट है इसमें, ऐसा है जब अखिलेश सरकार थी हमारी बहन बेटी यहाँ से बागपत जा भी नहीं सके थी, अब यहाँ सुरक्षित है, आने जाने में कोई छेड़खानी नहीं, कुछ कोई कोई कहना नहीं सुनना नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, किसान आंदोलन का कैसा प्रभाव है आपको? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं, नहीं कोई प्रभाव नहीं, क्या गलत कर रहे हैं ये, कोई गलत नहीं कर रहे, वो भी मार लिया तो कोई गलत नहीं था, वो भी पंजाब वालों के लिए तो हो सका 1% गलत हो, पर मान लिया कोई गलत नहीं था, फिर उनने माफ़ी मांग ली, उनने वापस कर दिया। अच्छा, वो झुके तो है ही, दंगे हो चुके बीत गए, पलायन हो चुका कैदाना में बीत गया, लेकिन अभी भी उन मुद्दों को उठाया जा रहा, ऐसा है मुद्दे तो वे हैं ही, उठाने तो पड़ेंगे, और करा तो इन्होंने है ही वो काम, भाई अखिलेश सरकार ने काम करा तो है ही, अब पलायन तो करवाए या हिंदू का, और इनने सारा एक तरफा काम करा, मोमननू के माफिक रहा, तो योगी सरकार तो दंगे हुए योगी सरकार में, एक भी कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा तो बताओ कहीं हुआ हो तो, और अखिलेश आते ही फिर दोबारा दंगे होंगे, ये तो दंगे को दंगा ही सरकार है। तो क्या होना चाहिए, कौन आना चाहिए? योगी, योगी योगी मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री भी योगी बनना चाहिए, इससे अच्छा आदमी है ही नहीं। इतना विश्वास है? हाँ, विश्वास है, बहुत अच्छा आदमी है। मेरा नाम है विक्रम पाल। विक्रम जी, चुनाव आ गए फिर से, किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? भाई मुद्दे तो यह है, देखो यह सरकार जो है फेल होगी, एक तो 12 लाख नौकरी जो है रिक्त स्थान इसमें है यूपी में, और 25 लाख नौकरी खाली पड़ी केंद्र में, जो बच्चे रोजगार बिना घूम रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं के कारण घूम रहे हैं, कोई भी भर्ती क्लियर नहीं होती इन्होंने, एक बात। दूसरी बात, यहाँ हमारे टटी में 5 साल पहले वो आए थे अपने राजनाथ जी, उन्होंने जो है वादा करा था 400 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव होगा, और जो 15 दिन के अंदर पेमेंट ना होगा तो इन मीन वालों को सबक सिखा देंगे, ये कह गए थे। गन्ने का भाव 5 साल लोग वो का वो रखा, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। विकास कार्य होगी यदि? विकास कार्य कोई नहीं हुआ यहाँ, कुछ विकास कार्य जो है अखिलेश ने उन्होंने करवाए थे, उन्होंने अपने उद्घाटन करे बस, सिर्फ यहाँ भाई लोक दल का ही बोलबाला है, और ईब लोग समर गए सुधर गए, युवा बात तो है मार काट वाली खत्म होगी। अच्छा, लोक दल का क्यों? मान लो आप भाजपा से नाराज हो, और भी पार्टियां हैं, सपा बसपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो क्यों नहीं? भाई इनकी भी जो है यहाँ तो ज़्यादातर लोक दल का ही है मान्य, जाट तो भाई देखो किसानों ने जाट इन्होंने चौधरी चरण ने बहुत काम करे, जाटू गिनिया किसान गिनिया सब गिनिया करे। अच्छा, 1952 में जो है जमींदार खात्मा कराया चौधरी चरण सिंह ने,
और जयंत ने जो है ये भूमि अधिग्रहण में जो है 4 गुना बिल ये बढ़वाया किसानों का, और अजीत सिंह ने 40 गन्ने की मिल लगवाई 42 मील अपनी यूपी में, तो इनका किसान तो भूल नहीं सकते जाट। अच्छा, बागपत विधानसभा पे ऐसा भी मतलब खबरें आई कि मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ पे आरएलडी से जो टिकट देने के बाद में जाटों में नाराजगी है। ना ना, कोई नाराजगी नहीं भाई, ये तो यह है अगर उसे टिकट ना देते, मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, उसे टिकट ना दे तो मायावती भाग जाता, मुसलमान वोट खिसकते या बीजेपी का जीत जाता, जाटू वोट तो कम है ना, और फिर यादव की कम है, मुस्लिम को तो टिकट देना अच्छा जरूरी। अखिलेश और जयंत एक साथ आ रहे हैं। हाँ, एक साथ आ रहे हैं। कितना फर्क डालेंगे इस चुनाव पर? इस चुनाव में इनकी बहुमत बनेगा बिल्कुल पक्का, गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ बिल्कुल बनेगी गठबंधन की सरकार। मैं घूम लिया कम से कम 15 जिले में घूम लिया मैं। योगी जी कह रहे जयंत तो बच्चा है ना? बच्चा नहीं जयंत, जयंत योगी के यहाँ बच्चा होगा, बाकी किसानों ने बच्चा नहीं, किसानों बच्चे को योगी लिखड़ गए, किसानों ने तो बच्चे योगी लिखड़ गए, क्यों 5 सालों का नया भाई नहीं बढ़ाया और महंगाई पूरी बढ़ गई, गन्ने का भाव रखा हुई तो किसान तो पानी में बैठा दिए। अगर यू 38 गन्ने का बीज ना होता यू बीज, और तो किसान की आय तो दूनी की बजाय आधी हो गई थी, आधी हो जाती और तो भी बदली कम गई। तो मानते हैं मतलब गठबंधन जो है किसान को तो हाथ दे पाएगा? हाँ, राहत देगा किसान को, उम्मीद कर रहे। अगर ना राहत देगा फिर बदल लेंगे, योगी फिर ले आऊंगे। ठीक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।